वो पेड़ जिसके काटने पर बहने लगता है इंसानों जैसा खून, लोग मानते हैं जादुई। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि पेड़ पौधों में जान होती है, वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें काटते समय ये बात भूल जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपने कोई पेड़ काटा और उससे इंसानों की तरह लाल रंग का खून निकलने लगे तो यकीनन आप ऐसा नज़ारा देखकर डर जाएंगे, क्योंकि इसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे काटने पर इंसानों की तरह खून निकलता है। ज़्यादातर लोग तो इस पेड़ के बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो इसे जादुई मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बेहद ही खास और अनोखे पेड़ को ब्लडवुड ट्री के नाम से जानते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कियाट, मुकवा, मुनिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम सेरोकार्पेस एंगोलेनियस है। यह अनोखा पेड़ तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लडवुड ट्री को सिर्फ काटने पर ही खून निकलता है, अगर इसकी डाली भी टूट जाए तो उस जगह से खून निकलने लगता है। असल में यह गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो देखने में बिल्कुल खून जैसा दिखता है। इस अनोखे पेड़ की लंबाई 12 से 18 मीटर तक होती है। पेड़ के ऊपर पत्तों और टहनियों का आकार इस तरीके से बना होता है जैसे वहां पर कोई छतरी लगी हो। इसके पत्ते काफी घने होते हैं और इस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं, और इसकी लकड़ी से काफी महंगे महंगे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी की खासियत यह है कि वह आसानी से मुड़ जाती है और ज्यादा सिकुड़ती भी नहीं है। लोग इसे जादुई पेड़ भी मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है। यह इंसानों के खून संबंधी बीमारियों को ठीक कर देता है। इसमें दांत से लेकर आंखों की परेशानी, पेट की समस्या, मलेरिया और गंभीर चोटों को भी ठीक करने की ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।